हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड से भी सेफ होंगे। तो गाइस कोविड से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार दो केस आ चुके हैं कर्नाटका में, आपने देखे होंगे, और थर्ड वेव शुरू हो चुकी है। तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, मतलब यार सेफ्टी रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है सैनिटाइजर यूज करो, मास्क वगैरह डालो, ठीक है। ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करता हूं, आप सबको पता ही होगा ये सब चीजें। तो सबसे पहले तो गाइस मैं बता देता हूं, आज आपसे कुछ एक अपडेट देने आया हूं, आपसे कुछ बातें करने आया हूं। सबसे पहले तो गाइस थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से चीजें पॉजिटिव हो रही हैं और लोग आपकी बातें सुन रहे हैं। अब क्या है, मेरे पास भी पावर है। गाइस सीरियसली आप सबके सपोर्ट ने ना साबित कर दिया कि अब मेरे पास भी पावर है। तो अब क्या है, अब मतलब जो भी चीजें होंगी ना ठीक है, मतलब किसी के हाथ गलत नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तो वो उस सब के लिए थैंक यू सो मच, मतलब सिर्फ आपकी बदौलत हुआ है वो। और एक चीज और बोलना चाहूंगा गाइस, ठीक है, मैं आज बहुत खुश हूँ। कल क्या था, कल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। इनफैक्ट मैं दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा इमोशनल था। तो मैं आपको कुछ चीज़ों के सवाल के जवाब देने आया हूँ, जैसा कि मतलब आपने आज आपके मन में उठे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यार आपका इमोशनल होना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मैं खुद बताऊँ, मैं जब भी अपनी चीज़ें आपके सामने रखता था ना, अभी आपने पिछली लास्ट तीन वीडियोज़ मेरी देखी होंगी, उसमें क्या होता था, मतलब यार मैं इमोशनल होके ना कम से कम फर्स्ट डे ऐसा हुआ था, मैं 40 मिनट की वीडियो बना गया था। कैन यू बिलीव इट, मतलब 40 मिनट नॉन स्टॉप बोलते हुए मैंने टाइम का ध्यान ही नहीं रखा कि मैं कितना हो गया क्या हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब देखा, नोटिस किया कि 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है यार, बहुत लंबी हो चुकी है, उसको मैंने मतलब यूं शॉर्ट में कट्स लगा लगा के, आपने देखा होगा शायद, उसको 10 से 12 मिनट का बनाया। तो मतलब आप सोच सकते हो कितने सारे इमोशंस होंगे जो मैंने छुपा दिए, दबा दिए, मतलब कि आपके सामने बहुत ही फिल्टर करके लेके आया था चीजें, बहुत ही ज्यादा फिल्टर करके लेके आया था। बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़रूरी थी, तो आपके आगे रख दी थी। और क्या है, उसकी बदौलत क्या हुआ, आप सब ने मेरा इतना साथ दिया, मतलब देखो यार सिस्टर को भी समझाया बहुत पॉजिटिव तरीके से, तो उसकी वजह से देखो यार कितना प्यार वापस आ गया। कल देखा होगा ना, मैडम का कमेंट आया हुआ है अपनी वीडियो पे, तो यार बहुत खुशी हुई, मेरे बहुत स्माइल आई फेस पे। अब बस क्या है, तो आपको बता देता हूँ, आज सुबह उसने वीडियो डाली थी, और वीडियो में क्या था कि भाई नहीं है, भाई आपने देखा होगा वीडियो में मैं नहीं था, मिसिंग था मतलब वीडियो में। तो उसका रीज़न ये बताया कि ना भाई यहाँ पे नहीं है। सच बोल रही है इस बार। तो गाइस क्या है, सीरियसली अभी मैं आपको बता देता हूँ, दो दिन पहले मतलब कि अभी जिस टाइम पे मेरे साथ ये हुआ था ना, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो डाली थी कम्युनिटी के बाद नेक्स्ट डे, तो उसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा था और अकेला था। क्या होता है ना, फैमिली से आप ना चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो, बट आप दिल से कनेक्टेड हो ना, तो आपको वो दूरी फील नहीं होती जितना कि तब होती है कि आप सेम घर में रह रहे हो, सेम सिटी में रह रहे हो, लेकिन दिल की दूरियां हैं। तो वो यार एक एक मिनट आपको खाती है, आपको अकेला पड़ जाते हो और बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो सेम मेरे साथ वैसा ही हो रहा था। तो मैं आ गया था, कुछ काम भी था, और मैं वैसे भी यहाँ आ गया था, गुड़गांव आ गया था, मतलब थोड़ा सा लो फील कर रहा था तो यहाँ आ गया था। तो यही एक रीज़न है कि उनकी पार्टी में शामिल नहीं हो पाया, अदरवाइज डेफिनेटली मैं भी होता। और अभी तक आपने मेरा डांस नहीं देखा है, तो गाइस बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी होने वाली हैं जो आपके सामने फर्स्ट टाइम होएंगी। और मैं तो यार एक बात बोलूं, थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूं, क्योंकि ना क्या होता है, कभी कभी क्वालिटी बहुत मैटर करती है क्वांटिटी से ज़्यादा। तो मैं बस ये सोच रहा हूं, अभी बस आपको एक अपडेट देने आया हूं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं जिसमें आप सब शामिल होगे, और मतलब ये कुछ ऐसा होने वाला है कि आप किसी की लाइफ के ना स्टार्टिंग के डेज देखोगे। एक जर्नी दिखाऊंगा आपको कि स्कूल कॉलेज से लेके एक मतलब बहुत प्यारी सी लाइफ दिखाऊंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको लगता है कि हाँ, आपको पता है कि थोड़ी मैच्योरिटी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा लाइफ में कि ना मतलब इंसान क्या करता है। मतलब स्टार्टिंग में जब पता है आपका शादी होती है, उस टाइम पे आपका स्टार्टिंग का टाइम बहुत मायने रखता है, उससे पहले का और शादी के बाद कुछ टाइम तक, उस पर डिपेंड करती है आपकी पूरी आगे की लाइफ कैसी होने वाली है, कैसे आप हैंडल कर रहे हो चीज़ें, कैसे मतलब कोऑपरेट कर रहे हो, वो सब चीज़ें आपको आगे आगे दिखने को मिलेंगी। आपके सामने अनकट रखा करूँगा, सब कुछ लाइव रखा करूँगा, और बस आपके सामने मतलब कहने का शॉर्ट में मतलब ये है कि मैं कुछ तैयारियां कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं बहुत जल्दी, मैं बस आपके सामने इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। बहुत टाइम हो गया यार, बहुत ज़्यादा, बस एक दिन की शुरुआत है, उसके बाद ना सीरियसली मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी आप सबको दिखाने के लिए, बहुत एक्साइटमेंट होगी यार, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें। और
बस आपको ये बता दिया, एक पहला तो आपको जवाब दे दिया कि हाँ यार निधि ने आज सेलिब्रेशन किया तो मैं वहाँ नहीं था, जस्ट बिकॉज कि मैं वहाँ हिसार में ही नहीं हूँ यार, मैं आ गया था, यहाँ आ गया था जब लो फील कर रहा था तो मैं आ गया था, अब देखता हूँ कल शायद वापस जाता हूँ, कल वापस जाके। और दूसरा एक रीज़न यहाँ आने का था, मैंने जो ऑर्डर किए थे, आपने मेरा माया हॉल देखा होगा, माया हॉल में मैंने कुछ ऑर्डर्स किए थे जो कि मेरे गुड़गांव में, मतलब मैंने गुड़गांव वाला एड्रेस डाल दिया था जब मैं वृंदावन में गया हुआ था, और वो आ गए थे। बट क्या है, उसमें से बाकी के जो रेस्ट ऑफ द ऑर्डर्स थे वो दो या तीन चार दिन बाद यहाँ पे डिलीवर हुए, तो मुझे वो भी लेने थे, तो बस ये एक बहाना बना लो या कुछ भी लगा लो यार तो मैं यहाँ आ गया था और बस अभी इस वजह से पार्टी में शामिल नहीं हो सका। कोई नहीं, अपने पहुँचते हैं, जाके खा लेंगे यार, देखते हैं क्या पिज्ज़ा विज्ज़ा क्या खिलाती है तो एक आपके सवाल का जवाब ये, और दूसरा आपने बहुत सारे सवाल जिससे रिलेटेड है मैं समझता हूँ यार आप पूछना चाहते हो, आज बोल देता हूँ आपको। आपने जो पूछा है ना सवाल के, आपके रियल भैया भाभी वो कहाँ हैं, कभी दिखाए नहीं, क्यों नहीं आए, ये वो, तो मैं देखो यार फ्रेंकली आपको बता देता हूँ जो चीज़ें हैं। देखो यार उस वो छुपाने से कुछ नहीं होता, मैं बता देता हूँ जो भाई की शादी हुई थी, शादी के बाद एक बार वो हिसार आए थे, मतलब कि उन बातों को शायद हो चुके हैं 6 साल हो चुके होंगे शायद, हाँ 6-7 साल हो चुके हैं, तो उस टाइम आए थे वो, एक ही बार आए थे, उसके बाद नहीं आए। और अभी लास्ट जब मेरी मुलाकात हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट वो लोग आए थे जब जीजा जी एक्सपायर हुए थे, जब निधि के साथ ये मिसहैपनिंग हुई थी, ये तब आए थे, मतलब तब नजफगढ़ आए थे। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं है कि हाँ वो मिले नहीं, वो निधि से मिलने जाते थे रेगुलरली, यानी कि मतलब दिवाली होती थी या फिर कुछ भी, निधि के साथ अच्छे कनेक्टेड थे, मतलब कि निधि को जब प्रॉब्लम हुई थी, मतलब जब ऑपरेशन हुआ था निधि का, तो भी काफ़ी हेल्पफुल थे, भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी हेल्प करी है। तो बस ये चीज़ें हैं आपके सवाल थे, और डेफिनेटली आगे आगे मेरे कुछ इवेंट्स आने वाले हैं जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वहाँ पे आपको सब देखने को भी मिलेंगे, मेरी ऑलमोस्ट पूरी फैमिली देखने को मिलेगी, फैमिली में एक एक बंदे से मिलवा दूंगा यार, सब कुछ दिखा दूंगा सबसे, भाई भाभी सब आएंगे, सब आएंगे, तो जल्दी आपके सामने सब कुछ रख दूंगा, सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और ये चीज़ें थी, और एक चीज़ मैं आपसे बताता हूँ कि ना आपकी पावर बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत ज़्यादा है, जो मैंने डिफरेंस फील किया, मैं सच बताऊँ 2-3 दिन पहले यार टूट गया था, बिल्कुल टूट गया था, बिल्कुल मायूस हो गया था कि हाँ यार मेरी इतनी पावर भी नहीं है कि कोई मेरी सुनेगा, शायद सब गलत समझेंगे अगर कुछ भी बोलूँगा तो। लेकिन आपने मेरे अंदर वो यकीन जगाया, मतलब वो मेरा कॉन्फिडेंस वापस लेके आए, तो बस उसी चीज़ के लिए चलते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आपकी पता है बातों का फ़र्क पड़ता है, आप जो मतलब सिस्टर के भी कमेंट्स में करते हो, बताते हो, सजेशंस देते हो, तो वो ऐसा नहीं है, चाहे हो सकता है वो उसका दिन इतना बिजी रहता है कि रिप्लाई नहीं कर पाती, बट वो पढ़ती है, रीड करती है, तो और उसका इफेक्ट भी पड़ता है। कई बार पता है आपको एक बात बोलता हूँ, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लाइक कि ना अगर घर वाला वही चीज़ समझाए ना, कि मतलब फैमिली में से कोई समझा रहा है तो लोग नहीं समझते हैं, बट बाहर से कोई अगर समझा रहा है, कोई गाइड कर रहा है, तो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं कि हाँ यार ये सही बोल रहा हुआ। तो गाइज़ आपका इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा पड़ता है, तो प्लीज़ आप धीरे धीरे समझाइए, तो चीज़ें इम्प्रूव भी हो रही हैं। और अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अभी जैसे मैं वृंदावन गया था, सीरियसली मैंने अपनी मेरी खुद की फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस किया था, और आगे जो प्लान्स होंगे, मेरी पूरी फैमिली तो शामिल होगी। अभी एक चीज़ बोलता हूँ, देखो अभी मौसम डिसेंट सा है, मतलब ज़्यादा ठंड भी नहीं, ज़्यादा गर्मी भी नहीं, तो आप अगर कमेंट सेक्शन में ना मेरी फैमिली को किसी को भी बोलो, यार निधि को बोल दो कि हाँ यार, अंकुर को बोलो कि कहीं घुमा के लेके आए, सीरियसली बोल रहा हूँ, खर्चा मेरा, मैं इनको घुमा के लेके आऊँगा कहीं पर भी, मैं यार बहाने ढूंढता हूँ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ कभी भी। लेकिन यार निधि ने क्या है ना, शेड्यूल इतना बिजी कर लिया है खुद का, मतलब सुबह उठना, उठने के बाद बहुत टाइम लग जाता है, कभी आप देखोगे ना एक यूट्यूबर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, यूट्यूबर का शेड्यूल बहुत बिजी होता है, नॉर्मल जॉब से ज़्यादा हेक्टिक होता है। लाइक अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो जॉब में आपको कल का टारगेट पता है कि आपको क्या करना है, क्या नई चीज़ करनी है, बट यह यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब पे ना आपको कल के लिए उठने के बाद सोचना पड़ता है कि यार आज क्या दिखाएं, और जिसमें इंटरेस्ट भी हो पूरी फैमिली का, यूट्यूब फैमिली मतलब देखने में इंटरेस्टेड हो, वो सब चीज़ें सब कुछ मद्देनजर रखते हुए। और यार एक यूट्यूबर, एक ब्लॉगर क्या होता है, अगर मान लो आपके पास पूरी टीम है, मोस्टली क्या है यूट्यूब पे सबके पास टीम है, कैमरामैन रखे होते हैं, पूरी टीम होती है, कि एडिटर उनका अलग होता है, कॉमेडियन कोई और होता है, स्क्रिप्ट कोई और लिखता है, हर चीज़ होती है। लेकिन एक डेली लाइफ ब्लॉगर क्या होता है यार, कैमरामैन भी खुद ही है, खुद का कैमरामैन है, कि मतलब खुद ही कैमरा लेके घूम रहा है, स्क्रिप्ट उसको खुद ही तैयार करनी है, मेंटली बहुत ये चीज़ें मायने रखती हैं यार, सुबह उठ के सोचता है कि आज क्या करूं यार, कैसे एंटरटेन करूं फैमिली को, उसके बाद वॉइस ओवर करना, म्यूजिक करना, मतलब म्यूजिशियन भी वही है, और कैमरामैन हो गया, स्क्रिप्टेड हो गया, ब्लॉगर हो गया, और एडिटर भी वही है। दिन में क्या है, 3-5 घंटे निकालने पड़ते हैं एक वीडियो को एडिट करने में, तो आप क्या
एडिटर भी आप खुद ही हैं, और उसके बाद क्या है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए कि आप कैसे एंटरटेन कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई एक फैमिली अटैच होती है किसी के साथ. तो ये सब रीजंस हैं. मैं अब क्या है, शुरू में यार थोड़ा सा डरता था, थोड़ा सोचता था कि अगर मैं कोई भी चीज़ आपके सामने रखूँगा तो क्या रिस्पॉन्स होगा. कहीं ऐसा तो नहीं है, समाज आज भी ये तो नहीं सोचता कि कोई हमेशा लड़का ही गलत होता है या कुछ ऐसा. बट आपने सीरियसली गाइस साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि मतलब इंसान हमेशा सही का साथ देता है. मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी होती हैं वो आपने क्लियर करी. उस चीज़ के लिए यार सीरियसली मैं कुछ भी कर लूँ ना, कुछ भी कर लूँ तो भी मैं ना उसका रिटर्न फेवर नहीं कर सकता. मतलब मैं माइंड में कई बार चीज़ें आती है, एक टी शर्ट प्रिंट करवा लेता हूँ कि आई लव माई यूट्यूब फैमिली, लेकिन यार वो कुछ भी नहीं है. कई बार मन करता है एक टैटू बनवा लूँ यहाँ पे हाथ पे या दिल पे कि आई लव माई यूट्यूब फैमिली. बहुत बहुत कुछ है यार आप सबके लिए, आपने जितना सपोर्ट किया. कभी कभी जो चीज़ें कभी अपने अपनों से नहीं मिलती वो सब चीज़ें मुझे यहाँ मिली हैं, एक अलग से फैमिली बनी है. तो बस यही अपडेट आपको देने आया था कि निधि सच बोल रही थी कि हाँ मैं सिटी में नहीं हूँ, इस वजह से वो सेलिब्रेशन पे नहीं आ पाया. भाई भाभी का भी आपको बता दिया क्या है, वो जल्दी मिलेंगे आपसे भी. मतलब मेरे जो फंक्शंस होंगे सब कुछ होंगे तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे. अभी आपके ऑनेस्टली बताऊंगा, आपके ना सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मैं एक टारगेट लेके चला था कि अगर मेरे जैसे ही सब्सक्राइबर एक राउंड फिगर में हो जाएंगे, मतलब राउंड फिगर एज एन ऐसा नहीं कि 100K यार, बहुत कम चाहिए उससे, बस एक बार स्टार्टिंग हो जाए. अगर मेरे ऑडियंस मेरे को मतलब यूट्यूब इतना सपोर्ट कर देना तो बस वो टारगेट लेते ही ना मैं आप सबसे सबको इंट्रोड्यूस कराता हूँ. क्योंकि यार एक चीज़ तो हो दिखाने के लिए, मतलब किसी को बताऊं तो क्या बताऊं यार, इंट्रोडक्शन दूं कि हाँ यार मेरा मैं इस लेवल पे हूँ. तो बस थोड़ा सा इंसान उस चीज़ में थोड़ा सा शर्माता है कि एक समझ सकते हो शायद आप भी. अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके सवालों के अगर आपको जवाब मिल गए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना. ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय.